जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने 1.1 का कंप्लीट देखा था, तो यदि आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ आए फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक समझ में आएगा। और बिल्कुल शुरू से ही पढ़िएगा तो और भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक भी कन्फ्यूज़न मैंने नहीं छोड़ा उसमें। और साथ ही साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकें। तो फ्रेंड्स, हमारा 1.2 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उस 1.2 का पहला क्वेश्चन का पहला है फ्रेंड्स 140, कितना है फ्रेंड्स 140, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं करना, बस 140 को लघुत्तम दे देंगे और यहाँ पे जितना भी आएगा सबको लिख देना फ्रेंड्स, वही हमारा हो जाएगा आंसर। वही दूसरा क्वेश्चन ये है 156, 156 में भी बस उसका एलसीएम लेते जाना और ये इस टाइप से जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या है 3825। तो 3825 में हमने क्या करना है, बस उसका लघुत्तम निकाल लेना है, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था, लघुत्तम निकालना और जो उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगा वही हो जाएगा आंसर। फिर दूसरा चौथा क्या है 5005। तो फिर उसका भी फ्रेंड्स क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना, बस लघुत्तम निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आप हमारे साथ शुरू से बने रहिए ताकि आपको एक भी कन्फ्यूजन ना हो और आप सारे क्वेश्चन का आंसर जान पाए, समझ पाए, उसको बना पाए। तो बस बनाने का तरीका जानिए फ्रेंड्स, आप तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 7429। इसमें भी कुछ भी नहीं करना, बस इसका एलसीएम ले लेते हैं। 17 से मैंने लगाया एक बार, तो 17 से लगाने के बाद इसका जो है भागफल आया 437। तो फिर 437 में 19 से लगाया तो फिर टेस्ट टाइम में पूरा कट गया। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 17 × 23 = 19 × 23 आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा फिर क्या कहता है तथा इसकी जांच कीजिए कि ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स 2691। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप साइड में एक तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने 26 को लिख सकता हूँ, 26 को इस टाइप से 26 में दो दो से भाग देंगे फ्रेंड्स, 13 बार मिलेगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, स्वाभाविक है 2 × 13 करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर 7 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। जब इस टाइप से 26 आगे माफ़ कीजिएगा 7 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो इस दोनों में हम देखेंगे क्या 13 और 13 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 13 और 13। तो ये हमारा क्या हो गया एच सी एफ कितना हो गया 13। तो मैंने यहाँ पे लिखा अतः 26 और 91 का एच सी एफ कितना हो गया 13 हो गया। फिर उसके बाद कहता है फ्रेंड्स इसका एल सी एम भी ज्ञात करने के लिए, तो एल सी एम बराबर हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि एलसीएम बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में एच सी एफ। तो दोनों संख्या यहाँ क्या है, पहला संख्या है 26, दूसरा संख्या क्या है 91, और बटा में एच सी एफ कितना आया 13। तो 26 × 91 / 13, तो 13 दो बार में क्या हुआ 26 से कट गया। अब यहाँ 2 क्या हो जाएगा 91 से गुना होकर 182। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, एच सी एफ 13 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। फिर जांच करने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जांच किया फ्रेंड्स, जांच पावर क्या था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या को गुना करने के बाद आया फ्रेंड्स 2366, और एच सी एफ और एलसीएम को गुना करने पर भी कितना आया फ्रेंड्स 2366। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 510 और 92। 510 में मैंने बताया था कि ए जब बड़ा रहे कोई, तो फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस विधि से बनाओ, मैंने उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया था, इसमें यूक्लिड विभाजन से बना रहा हूँ। फिर अगले क्वेश्चन में
मैं कोशिश करूँगा कि भाग विधि से बताने के लिए। तो आप बस बनाने का तरीका जान जाओ फ्रेंड्स, बाकी आप कैसे भी आपकी मर्जी जैसे आप बना सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला फ्रेंड्स। तो ए मैंने मान ए रख लिया यहाँ पे 510, बी हो गया कितना फ्रेंड्स 92। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 510 और यहाँ पे 92 को 5 से गुना करके 50 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाने आएगा 510 हो जाएगा। फिर ये 92 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 50 आ जाएगा यहाँ, 50 को 1 से गुना करके फ्रेंड्स हम लोग 42 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। फिर ये 50 यहाँ आ गया, फिर ये 42 यहाँ आ गया, फिर 42 को 1 से गुना करके प्लस 8 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आर का मान क्या हो जाए फ्रेंड्स, 0 ना हो जाए। तो फिर ये 42 यहाँ आ गया, फिर ये 8 कहाँ आ गया, बी के स्थान पे आ गया, तो 8 को 5 से गुना किए तो फिर कितना बचा 2, तो 2 को प्लस में किए तो 42 आ गया फ्रेंड्स। फिर ये 8 यहाँ ए के स्थान पे आ गया, और 2 कहाँ आ गया फ्रेंड्स, तो आ गया बी के स्थान पे। और क्यू का मान कितना लिया हमने, क्यू का मान ले लिया हम लोगों ने 4, तो 2 चौका 8, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब यहाँ पे 0 आया तो हमारा एच सी एफ कितना आएगा, बी का जो मान होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, एच सी एफ आ जाता है हमारा, तो एच सी एफ कितना आ गया 2। अब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना फ्रेंड्स। तो फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम देखते हैं फ्रेंड्स कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के बारे में मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दो संख्या है तो एक को हमने ए भी ए मान लिया, दूसरे को बी, और बटा में क्या आ गया एच सी एफ। तो ए कितना था 510 था, बी कितना था 92, बट्टा में एच सी एफ कितना आया था 2, तो इन दोनों को गुना करके हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो गुना करने के बाद आ गया फ्रेंड्स 46920, और काटने के बाद क्या आ गया 23460। अतः 510 और 92 का एच सी एफ कितना आ गया फ्रेंड 2, और एल सी एम कितना आ गया 23460, ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स आंसर हो गया। फिर इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर एल सी एम गुना एच सी एफ। तो हमने 510 और 92 को गुना किया तो 46920 आया, फिर 2 और 23460 को गुना किया तो 46920 आया। इस प्रकार से दोनों क्या फ्रेंड्स बराबर है। फिर हम देखते हैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, और फ्रेंड्स मैंने इसको भाग विधि से बनाया है, तो मैंने तीन क्वेश्चन को तीनों अलग अलग विधि से, पहला क्वेश्चन आवाज गुणनखंड विधि से, दूसरा यूक्लिड विभाजन से, तीसरा भाग विधि से। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में यदि दिया रहे कि इस विधि से बनाना है तो आप बनाइए उस विधि से, यदि नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो आपकी मर्जी, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और कितना है 54। तो मैंने भाग विधि से बनाया, 336 को 54 से भाग दिया, 54 से भाग दिया 336 में 6 टाइम में, तो 324 हुआ, फिर बचा शेष बच गया हमारा 12। तो फिर ये 54 आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, और 12 को फिर मैंने 4 से गुना कर लिया, तो 12 चौका 48, 48 को मैंने 54 से क्या किया माइनस किया, माइनस करने के बाद ये 6 आ गया, ये फिर 12 आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। फिर 6 को टाइम में हम डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को 2, 6 से 2 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आर का मान क्या हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल 0 हो गया। तो ये जो बी का स्थान वाला है ये क्या हो गया हमारा एच सी एफ हो गया फ्रेंड्स। आप आवाज गुणनखंड विधि से भी बनाओगे तो ही एच सी एफ 6 ही आएगा, यूक्लिड विभाजन से बनाओगे तो भी एच सी एफ 6 ही आएगा। तो एच सी एफ क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा 6 आ गया। और एल सी एम बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एच सी एफ। तो एल सी एम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एच सी एफ। तो पहली संख्या हमारा क्या था 336, और दूसरी संख्या था 54, बटा में क्या था एच सी एफ, एच सी एफ 6 है, तो 6 को हम 54, 54 को 6 से काट दिया 9 टाइम में, तो 9 टाइम में काट दिए। उसके बाद हमारे 336 को 9, 9 से गुना किए तो फ्रेंड्स आ गया हमारा कितना आंसर 324। यहाँ पे लिख दिया मैंने, अतः एस सी एफ बराबर 6 और एल सी एम बराबर 324, यही हो गया फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम इरेज कर देते हैं और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब तक फ्रेंड्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सॉरी फ्रेंड्स, इसका जांच अभी बाकी है, इसके जांच को देखेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इसका जांच क्या करना है, ये मैंने दो क्वेश्चन में करके दिखाया, तीसरे क्वेश्चन आप करके देखो। तो जांच हम लोग देख लेते हैं। तो जांच में मैंने क्या बताया था, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये मैंने ही क्वेश्चन में खुद कह रहा है फ्रेंड्स। तो पहला संख्या क्या था हमारा, 336 था, दूसरा क्या था 54 था, और इसको दोनों इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ गया 18144, और हमारा एलसीएम था 324, और एचसीएफ कितना था 6, इन दोनों को गुना करने से भी आ गया 1844, है ना फ्रेंड्स। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, तब तक आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कोई दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स 3 नंबर का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 12, 15 और 21। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो मैं पहले बताया था कि एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ तो संख्या दो नहीं, यहाँ तो 3 हो गया। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ अलग रूल से बनाते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। तो फ्रेंड्स मैंने इस सब का अभाज्य खंडन किया, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। इस तरह से तीनों तीनों में 3 कॉमन है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया। तब एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना संख्याओं में संबंध, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे किस घात का, बड़ी घात का गुणनफल। तो एचसीएफ तो हमारा कितना था फ्रेंड्स, एचसीएफ कितना था, 3 था। एचसीएफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एचसीएफ हमारा कितना था फ्रेंड्स, एचसीएफ तो 3 था, और सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात क्या है, सबका घात एक ही है, तो 4 गुना 5 गुना 7, तो इस सब को गुना करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, 420। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 17 को 1 से गुणा करेंगे 17 होगा, 1 को 23 करेंगे 23 होगा, 1 को 29 से करेंगे 29। इस प्रकार हमने क्या देखा, तीनों में एक एक सिमिलर मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। तो इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में मैंने क्या ऊपर देखा था, अभी यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि 2 एचसीएफ गुना संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो एलसीएम बराबर क्या कर देंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारा 1 है, और बड़ी घात गुणनफल कितना है, 17 है, 23 है, 29 है, तो इन सबको गुना कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1139। अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1139। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8, 9 और 25। तो 8 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, 8 गुना 1, फिर 9 गुना 1, फिर 25 गुना 1। इसी तरह से आप लोग को भी करना फ्रेंड्स, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मिस ना करें। तो इस प्रकार से तीनों में एक एक कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। और एलसीएम बराबर क्या पढ़ा था, एचसीएफ गुना सबसे बड़ी घात, बड़ी संख्याओं के, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं सभी, आप कहिएगा अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो अभाज्य संख्या के सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, तो 8 गुना 9 गुना 25। इस एक को छोड़ करके फ्रेंड्स जो बच रहा है उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ इस एक को छोड़ के 8, 9 और 25 बच रहा है फ्रेंड्स, तो 8, 9 और 25 को गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 1800। फिर 1800 को भी 1 से गुना करेंगे तो 1800 ही रहने वाला है। अतः एच सी एफ बराबर क्या हो गया, 1 और एल सी एफ बराबर क्या हो गया, 1800।
ना फ्रेंड्स। तो ये जो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देख रहा है, HCF 306.657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 याद कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, और लाइक करें, शेयर करें। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं 12th का बायोलॉजी और फिजिक्स भी लेके आने वाला हूँ, और क्लास 10 का भी साइंस का सारा वीडियो विद डिफिनेशन लेके आने वाला हूँ, और मैथ तो पूरा पढ़ाने वाला हूँ भी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए जय हिंद।